गोबर और सभी बच्चे साथ में डिनर कर रहे थे और गोबर उनको एक किताब देता है जिसमें ड्रैगन्स के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उस किताब को कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता, लेकिन हिक्कप उस किताब को पूरी रात पढ़ता है, जिससे हिक्कप को पता चलता है कि नाइट फ्यूरी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगले दिन हिक्कप ट्रेनिंग में गोबर से नाइट फ्यूरी के बारे में सवाल पूछता रहता है, जिससे वो ट्रेनिंग में फोकस नहीं कर पाता और अपने दोस्त को भी खतरे में डाल देता है, जिससे एस्ट्रिड उस पर गुस्सा करती है। हिक्कप ट्रेनिंग खत्म होने के बाद नाइट फ्यूरी के पास मछली लेकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने जाता है, लेकिन नाइट फ्यूरी चाकू की वजह से डर रहा होता है, जिससे हिक्कप अपना चाकू उसे दिखाकर दूर फेंक देता है, जिसके बाद नाइट फ्यूरी मछली खा लेता है। हिक्कप नाइट फ्यूरी का नाम टूथलेस रखता है। नाइट फ्यूरी उसे दोस्ती के सबूत के तौर पर आधा मछली देता है, जिसे ना चाहते हुए भी हिक्कप को खाना पड़ता है। फिर वो दोनों बहुत सारे गेम खेलते हैं और नाइट फ्यूरी हिक्कप को पहली बार खुद को हाथ लगाने देता है। रात के टाइम गोबर सभी बच्चों को बताता है कि अगर हम ड्रैगन के पूंछ के विंग्स काट दे तो ड्रैगन उड़ नहीं पाएंगे। ये सुनते ही हिक्कप वहां से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक करिए, हम समझ जाएंगे।